चलो, कहाँ तक बात किए थे? अच्छा, हीलियम न्यान ले जाए, इंट्रोडक्शन हो गया था। कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, CONS होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हो गया, उसके बाद एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया था ना, इसको समझा भी दिया था ना, बस इसको नोट डाउन करना था। तो उसमें लिखो, वर्किंग लिखो, एक हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो वर्किंग, क्या होता था कि इसमें जब भी हम डिस्चार्ज पास करते थे, किसमें, उस हीलियम नियान वाली जो ट्यूब है, तो हीलियम और नियान एटम एक दूसरे से कोलाइड करते थे और हीलियम एटम एक्साइट होकर कहाँ चला जाता था, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता था। वहाँ पर वो क्या करता था, कुछ समय तक जो उसकी लाइफ टाइम होती है एक्साइटेड स्टेट में, उस वहाँ तक वो क्या करता था, स्टे करते था, और स्टे करने के बाद वापस से वो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी को जो ग्राउंड स्टेट में नियान एटम है उसको क्या कर देता था, ट्रांसफ़र कर देता था। फिर नियान एटम वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट होकर कहाँ चला जाता था, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता था, और 3 मल्टीपल ट्रांजिशंस करता था। उसमें से एक मल्टीपल ट्रांजिशंस है जो इसका वेवलेंथ का रीजन हमारे रेड रीजन के अप्रॉक्स में आता था, इसलिए उसका जो फ्रिंज हमको स्पॉट्स मिलता था वो रेड कलर का स्पॉट्स मिलता था। 3 मल्टीपल ट्रांजिशंस करने के बाद वापस से वो हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन करके वो वापस से कहाँ आ जाता था, ग्राउंड स्टेट में आ जाता था। तो ये हमारा कुछ वर्किंग प्रोसीजर था, किसका, हीलियम नियान लेजर का, उसी को हम लोग को नोट डाउन करना। तो उसमें लिखो, व्हेन द डिस्चार्ज इज पास्ड, व्हेन द डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू द मिक्सचर कामा इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड एंड कोलाइड विथ द हीलियम एटम रेजिंग देम टू हायर एनर्जी लेवल्स H2 and H3 from level H1। फुल स्टॉप। इन दीज लेवल्स कमा द एटम्स एक्साइटेड रिमेन्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड एज लाइफ टाइम ऑफ दीज स्टेट्स आर लॉन्ग दैट इज दीज स्टेट्स आर मेटा स्टेबल स्टेट्स। फुल स्टॉप। द एक्साइटेड एटम ऑफ द हीलियम कोलाइड विथ एटम ऑफ नियॉन इन देयर स्टेट इवन रेजिंग देम टू
रेजिंग देम टू लेवल E4 एंड E6, लेवल E4 एंड E6, फुल स्टॉप. द कोलिजन प्रोसेस इज पॉसिबल एज द लेवल E4 एंड E6 लेवल ऑफ नियॉन एट द नियरली सेम हाइट ऑफ द हीलियम. With the collision process, comma, the helium atom lose energy and are brought back to their ground state H1. Full stop. The discharge passes continuously. Populate the लेवल E4 एंड E6 आर ऑफ नियॉन एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड बिटवीन E3 and E2. List up. The laser transitions are obtained between E6 to E5, comma, between E6 to E3. कहाँ तक ट्रांजिशन आर ऑब्टेन बिटवीन E6 to E5 कमा बिटवीन E6 to E3 हो गया एंड बिटवीन E4 to E3 फुल स्टॉप. Thus, three laser transitions are possible in the helium neon mixture at 3.39 micrometer, 1.15 micrometer and 632.8 micrometer plister. Next line says the first two correspond to TWO लिखना. The first two correspond to infrared region and third lie in the red region. Full stop.
द लेजर लाइट, नेक्स्ट लाइन लिखना, द लेजर लाइट 632.8 माइक्रोमीटर इज द वेल नोन हीलियम नियान लेजर लाइट, वेल नोन हीलियम नियान लेजर लाइट प्रैक्टिकली, कामा करके लिखो, प्रैक्टिकली इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, एक बार पूरा लाइन से पढ़ जाओ, उसके बाद देखो क्या कुछ समझ में आ रहा है उसका, जो वर्किंग प्रोसीजर तुमको बताया गया है और जो लिखाया गया है। कहीं किसी लाइन में कोई डाउट हो, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, तो फिर से उस चीज़ को हम एक्सप्लेन करके आप लोग को समझा देंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि दोनों में से कोई एक, चाहे रूबी लेजर और चाहे हीलियम नियान लेजर, एग्जामिनेशन में आना ही आना है, इसलिए इनका कॉन्सेप्ट और चीज़ें हमको पहले से अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, एडवांटेजेज ऑफ हीलियम नियान लेजर, एडवांटेजेज ऑफ हीलियम नियान लेजर। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ किया जाता है, जो हमारे सुपरमार्केट्स होते हैं, जो बारकोड स्कैन करने के काम में आता है मशीन ना, उस पर देखोगे रेड स्पॉट्स आती थी, वही हमारी हीलियम नियान लेजर होता है, सबसे ज़्यादा यूज उसका सुपरमार्केट में किया जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, एडवांटेजेज ऑफ हीलियम नियान लेजर, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना कि द नैरो, फर्स्ट पॉइंट लिखना, द नैरो रेड बीम ऑफ हीलियम नियान लेजर इज यूज्ड इन सुपरमार्केट्स टू रीड द बार कोड। ठीक है, सेकंड इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, जैसे यहां पर एक टॉपिक पढ़ रहे हो ना, लेजर एक एडवांस टॉपिक पढ़ रहे हो जो लाइट से है ना, इसी तरह एक लाइट से लेजर से रिलेटेड एक और एडवांस टॉपिक हो जाता है होलोग्राफी। होलोग्राफी तुम्हारे इस सिलेबस में नहीं है, जो एमएससी में जाओगे वहां एक मॉडर्न, यहां ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो ना, वहां पढ़ोगे मॉडर्न ऑप्टिक्स। तो जब मॉडर्न ऑप्टिक्स ब्रांच पढ़ोगे तब वहां पर इस लेजर वाले पोर्शन को भी इंक्लूड किया जाता है, और वहाँ पर होलोग्राफिक के टॉपिक को यूज़ किया जाता है। फिर वहाँ नॉन पोलराइजेबिलिटी टेंसर टाइप्स का ऑप्टिक्स है, नॉन लीनियर ऑप्टिक्स उसको बोलते हैं, वो ब्रांच इंक्लूड किया जाता है। फिर वहाँ ऑप्टिकल फाइबर, आजकल देखते होंगे जो चल रहा है, ऑप्टिकल फाइबर ब्रांच वहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है। टोटली 4 मेनली ब्रांच को हम लोग मॉडर्न ऑप्टिक्स में एमएससी लेवल पे स्टडी करते हैं। पहला हमारा मॉडर्न ऑप्टिक्स,
जो ऑप्टिक से थोड़ा एक्सीड कर गया है, जैसे लेजर वाला पोर्शन हुआ उसको स्टडी करते हैं। दूसरा पोर्शन हम लोग होलोग्राफी यूज करते हैं। होलोग्राफी बेसिकली एक किसी भी इमेज का थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन करने का इमेज का टेक्निक होता है, उस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं होलोग्राफी। और वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, लेजर लाइट्स का यूज करते हैं। दूसरी टेक्निक होती है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर देखो, आजकल ऑप्टिकल केबल्स चल रहे ना इंटरनेट कनेक्शंस के नॉर्मली, तो वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर का कंस्ट्रक्शन कैसे, उसका वर्किंग प्रोसीजर है कैसे, उसका सिस्टमेटिक है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, ये सारी बातें हम लोग ऑप्टिकल फाइबर, लेकिन वो चीज़ें हमारे सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम लोग उस पर डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। बस इतना जानो कि ये सब हमारे एडवांस्ड टॉपिक है, इसको हम मॉडर्न ऑप्टिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं। उसी में लिखो सेकेंड हम लोग कहाँ यूज करते हैं, होलोग्राफी में द हीलियम नियॉन लेजर। द हीलियम नियॉन लेजर इज यूज्ड इन होलोग्राफी, मतलब ये समझ लो कि होलोग्राफी का सेंस यहाँ है, हम रिसर्च यहाँ तक ऑब्जर्व कर लिए हैं कि अगर किसी, अगर ये होलोग्राफी टेक्निक इतनी आगे चल के इम्प्लीमेंटेड होती है, तो हम अगर किसी से बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर हमारे दिल्ली मुंबई या अनदर कंट्री जर्मनी फ्रांस कहीं भी है, अगर हम बात कर रहे हैं वीडियो कॉल से, तो उसकी 3D इमेज हमारे सामने बन जाएगी। तो ये कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि अगर हम तुमसे बात करें, उसका 3D इमेज हमारे सामने बन जाएगा एक वेव के रूप में। उसकी इमेजिनेशन हमारा होलोग्राफी टेक्निक से होती है, और वो अगर एडवांसमेंट में आती है तो हम लोग को एक उसका एहसास होगा कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो हमारे कहीं आस पास में। तो ये टेक्नोलॉजी अभी विकसित हो रही है धीरे धीरे। अभी देखो तो 3D मकान बन रहे हैं, 3D मकान बन रहे हैं कि 3D इमेज से मकान बन जा रहे हैं, तो ये अभी धीरे धीरे अप्रोच करें, चूँकि अभी नई टॉपिक है, नई जर्नी है, तो धीरे धीरे कुछ समय बाद तक ये हमारे एग्जिस्टेंस में आने लगे। वही लिखो कि द हीलियम नियॉन लेजर इज यूज इन होलोग्राफी, HOLOGRAPHY। द हीलियम नियॉन लेजर इज यूज इन होलोग्राफी इन प्रोड्यूसिंग द 3D इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। 3D इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, हीलियम नियॉन लेजर एज मेनी इंडस्ट्रियल and scientific uses are used in laboratory for demonstration of optics, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, it must be works continuously। ठीक है, नेक्स्ट डाल देना, डिसएडवांटेजेज ऑफ हीलियम नियॉन लेजर। सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेज है कि ये लो पावर गेन डिवाइस होता है, यानी इसका आउटपुट हमेशा क्या होता है, लो पावर में होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लो कि इट इज रैपिडली लो पावर डिवाइस मींस its output power is low. Second point,
सेकेंड पॉइंट, द हीलियम नियॉन लेजर इज, हीलियम नियॉन लेजर इज लो गेन डिवाइस, लो गेन डिवाइस, लो गेन डिवाइस। थर्ड पॉइंट, हाई वोल्टेज रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट पॉइंट, हाई वोल्टेज रिक्वायरमेंट कैन बी कंसीडर्ड एज, कैन बी कंसीडर्ड एज इट्स मेन डिसएडवांटेजेस, इट्स मेन, हाई वोल्टेज रिक्वायरमेंट कैन बी कंसीडर्ड एज इट्स मेन डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट पॉइंट, एस्केपिंग ऑफ, ई एस सी ए पी आई एन जी, एस्केपिंग ऑफ गैस फ्रॉम लेजर प्लाज्मा, फ्रॉम लेजर प्लाज्मा ट्यूब, ट्यूब इज आल्सो इज, इज आल्सो इज डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट, कभी भी एग्जाम में आएगा हीलियम नियॉन लेजर पूछेगा तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करना, उसका इंट्रोडक्शन देना, ठीक, उसका कंस्ट्रक्शन डिटेल्स देना, उसका कंस्ट्रक्शन डिटेल्स का फिगर बनाना, सिमेट्रिक डायग्राम बनाना, फिर उसका क्या बताओगे, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओगे, फिर उसकी वर्किंग बताओगे, वर्किंग बताने के बाद उसके एडवांटेजेस बताओगे और डिसएडवांटेजेस बताओगे, ऐसे कंप्लीट पॉइंट वाइज करके उसको लिखोगे तब तुम्हारा कंप्लीट मार्क्स हो जाएगा। तो एक बार कॉपी देना, देखे क्या क्या और कुछ छूटा तो नहीं है पूरे लेजर पोर्शन में। चलो ठीक है, ये पूरा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, एक लास्ट पोर्शन है बस इसका, एप्लीकेशन ऑफ लेजर। एप्लीकेशन ऑफ लेजर इसमें लिखो, लेजर ऑफर्स ए, एप्लीकेशन ऑफ ए लेजर, उसमें लिखना, लेजर ऑफर्स ए वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस, वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस, कमा, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। सबसे पहला एप्लीकेशन हेडिंग डाल देना इन सर्जरी, ठीक है,
ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज लेजर का कहाँ किया जा रहा है, मेडिकल फील्ड में किया जा रहा है, और वहाँ किस टर्म में किया जा रहा है, सर्जरी के लिए किया जा रहा है। जैसे आजकल देखते हो ब्लडलेस सर्जरी हो रही है, तो लेजर बीम से हमको कोई कट करने की ज़रूरत नहीं, जैसे किसी को ट्यूमर हो जाए तो कभी कभी देखते हो कि ट्यूमर में पहले कट करके उसको निकालने की ज़रूरत पड़ती थी, हम लोग को ऑपरेशन करना पड़ता था, लेकिन अब हमारा जब नया सिस्टम आ गया है लेजर टेक्निक से, हम लोग उस पर लेजर लाइट्स डालते हैं और वो जो इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ पर जाकर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके छोटे छोटे पार्ट्स में कंक्लूड करता है, फिर वो किसी दूसरे रास्ते से हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं और हमारी सर्जरी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इसीलिए इस तरह की सर्जरी को ब्लडलेस सर्जरी कहा जाता है, यानी यहाँ पर ब्लड का फ्लो नहीं होता है, जैसे कटिंग करने पर ब्लड का फ्लो, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कई सारे मामलों में हमारे जैसे पथरी का आजकल ऑपरेशन मैक्सिमम हमारा ब्लड से हो जाता है, ऐसे कई सारे हैं जहाँ पर मेडिकल फील्ड में इस लेजर को एज ए मेडिकल लाइन्स में हम लोग यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट इसीलिए हमारा एप्लीकेशन किस में है, इन सर्जरी, उसमें लिखो ए लेजर बीम इज सेफली इम्प्लॉयड फॉर वेल्डिंग WELDING फॉर वेल्डिंग ए डिटैच्ड DETACHED वेल्डिंग ए डिटैच्ड एंटीनिया ANTINA ऑफ द आई बाई फोकसिंग इट ऑन द स्पॉट ऑफ द वेल्डेड WELDED वेल्डेड प्लिस्टर intense and powerful laser beam has also be used to remove eye tumor EYE tumor TUMOR full stop primarily PRILIMINARY success has also been obtained in the treatment of human and animal cancer by laser beam फुल स्टॉप करके नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके उसी में पैराग्राफ चेंज करके एज द बीम इज वेरी इंटेंस कमा इट हैज बीन यूज्ड फॉर पेनलेस ड्रिलिंग DRILLING पेनलेस ड्रिलिंग एंड वेल्डिंग WELDING पेनलेस ड्रिलिंग एंड वेल्डिंग ऑफ ए टूथ TOOTH टूथ टू प्रिवेंट PREVENT टू प्रिवेंट further decay thus it has made possible bloodless surgery
ब्लडलेस सर्जरी, एक उसका नाम है एच, कैपिटल लेटर में लिखना है, एच आई टी एच ई आर टी ओ, ब्लडलेस सर्जरी, हेटलो अननोन, अननोन फुल स्टॉप। इट एक्ट्स एज ए सॉफ्ट नाइफ, इट एक्ट्स एज ए सॉफ्ट नाइफ, KNIFE सॉफ्ट नाइफ, एंड इट इज लोकलाइज्ड हीटिंग सील्स द ब्लड यूजेज इंस्टेंटेनली INSTENTLY, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, इन रेडियो कम्युनिकेशन एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन, मतलब इसका लेजर का, लेजर लाइट का हम लोग रेडियो कम्युनिकेशन में भी सबसे ज़्यादा यूज करते हैं और स्पेस के एक्सप्लोरेशन में, ठीक है। इन रेडियो कम्युनिकेशन एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन, इसमें लिखना लेजर लाइट कमा बीइंग हाईली कोहेरेंट कैन बी मॉड्यूलेटेड टू ट्रांसमिट 100 सेकेंड ऑफ मैसेजेज एट ए टाइम ऑन रेडियो एंड टीवी फुल स्टॉप। इट कैन एकोमोडेट in a single frequency band full stop, greater number of channels of carrier wave with enough bandwidth, फुल स्टॉप करके नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके, नैरो एंगुलर स्प्रेड ऑफ लेजर बीम इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर कम्युनिकेशन विथ अर्थ सैटेलाइट्स एंड रॉकेट्स टू द मून एंड द अदर प्लेनेट्स फुल स्टॉप। बाय मेजरिंग द टाइम इंटरवल फॉर रिसीविंग द रिफ्लेक्टेड बीम
लिस्ट आप करके नेक्स्ट लाइन्स लिखना, द अर्थ टू मून, द अर्थ टू मून डिस्टेंस हैज बीन मेजर्ड, डिस्टेंस हैज बीन मेजर्ड एक्यूरेटली, एक्यूरेटली विद द यूज ऑफ लेजर्स, विद द यूज ऑफ लेजर्स। ठीक है, उसको अंडरलाइन कर देना, पूरी लाइन को अंडरलाइन कर देना, विद द यूज ऑफ लेजर्स। नेक्स्ट लिखना इन इंडस्ट्री, तीसरी फील्ड हमारी कहाँ यूज होती है, इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्री, थर्ड पॉइंट इन इंडस्ट्री, लेजर्स हैव ए, लेजर्स हैव ए वाइड इंडस्ट्रियल, वाइड इंडस्ट्रियल एंड केमिकल एप्लीकेशंस, एंड केमिकल एप्लीकेशंस, फुल स्टॉप। ए लेजर बीम, ए लेजर बीम व्हेन फोकस्ड, व्हेन फोकस्ड कामा प्रोड्यूसेज, कामा प्रोड्यूसेज एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, फुल स्टॉप। इट कैन बी देयर फोर, इट कैन बी देयर फोर बी यूज्ड इन, बी यूज्ड इन मीटिंग, मीटिंग एंड वेपराइजिंग मेटल्स, एंड वेपराइजिंग VAPOURISING, वेपराइजिंग मेटल्स एंड ड्रिलिंग होल्स, एंड ड्रिलिंग होल्स इन डायमंड्स, इन डायमंड्स एंड हार्ड स्टील्स, एंड हार्ड स्टील्स। नेक्स्ट लाइन से फुल स्टॉप करके नेक्स्ट लाइन से, लेजर बीम कैन आल्सो इनिशिएट, लेजर बीम कैन आल्सो इनिशिएट सर्टेन केमिकल रिएक्शन, सर्टेन केमिकल रिएक्शन, इसको अंडरलाइन कर देना पूरी लाइन पे, सर्टेन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, इन बेसिक साइंटिफिक रिसर्च, इन बेसिक साइंटिफिक रिसर्च, नेक्स्ट हेडिंग है इन बेसिक साइंटिफिक रिसर्च, इसमें लिखना लेजर बीम प्रोवाइड्स, लेजर बीम प्रोवाइड्स ए न्यू सोर्स ऑफ, ए न्यू सोर्स ऑफ एक्सप्लोरिंग द, एक्सप्लोरिंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ, एंड नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, लिस्ट ऑफ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको अंडरलाइन कर देना पूरी लाइन को, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कामा प्रिसीजन, PRECISION, प्रिसीजन
मेजरमेंट ऑफ लेंथ, प्रिसीजन मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड एक्यूरेट डिटरमिनेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। फुल स्टॉप करके नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके एंड मेनी मोर एप्लीकेशंस ऑफ लेजर मतलब और भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं लेकिन उतना हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। क्या करो, स्किन के ही तो लेजर लाइट्स का यूज करते हैं लेकिन वो एक्सरेज की तरह उतना हार्मफुल नहीं होता है। जैसे देखते होगे जो हमारे एक्सरेज होते हैं वो बहुत हार्मफुल होती है, इसलिए उसको आँख से सब चीज़ों से बता। देखो जब शरीर पे तुम्हारी पड़ती है तो सारे शरीर कवर्ड कर देते हैं, जहाँ अगर सीने का लेना तो वहाँ पे एक्सरे लेते हैं ना, किसी पर्टिकुलर प्लेस, पूरी हार्मफुल होती है इसलिए वो हम लोग उतना डिटेक्ट नहीं करते। लेकिन उसके कंपेरिजन में लेजर उतना हार्मफुल नहीं होता, लेकिन ये है पर्टिकुलर इसके यूजेज हैं अलग अलग। देखो इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ हम लोग लेजर लाइट्स का यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग मिलिट्री सर्विसेज में, मिलिट्री जो यूज करते हैं वहाँ पर भी लेजर लाइट्स का यूज़ करते हैं, उसको ऑब्जर्व करने में, देखने के रूप में, सामान को ले जाने के रूप में। इसीलिए हम लोग कई सारी फील्ड्स में, हम लोग इसलिए दो चार फील्ड्स में हम लोग नोट करा दिए हैं कि हम लोग बेसिक साइंटिफिक रिसर्च में कैसे लेजर का यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री के रूप में कैसे यूज़ करते हैं, रेडियो कम्युनिकेशन में कैसे यूज करते हैं, ठीक है, और सर्जरी के रूप में कैसे यूज करते हैं। जो मेन मेन इंपॉर्टेंट फील्ड्स थे उस पर हम लोग डिस्कस कर लें, लेकिन इतना नहीं है, और भी कई सारी ब्रांचेज हैं जहाँ पर हम लोग लेजर लाइट्स को यूज करते हैं। तो हमारे सिलेबस का बस फंडामेंटल्स था लेजर के बारे में, क्योंकि यहाँ हम लोग मॉडर्न फिजिक्स बहुत एक थोड़ा सा एडवांसमेंट की तरफ चल रहे हैं, तो यहाँ जो भी टॉपिक इंक्लूड किया है उसके बस बेसिक फंडामेंटल नॉलेज के बारे में हमको बताया गया है। और हमारे पास दो ही लेजर सिस्टम के बारे में पूरे कोर्स में डिटेल में डिस्कस करना था, एक रूबी लेजर के बारे में और एक हीलियम नियॉन लेजर के बारे में। तो उस दो के बारे में हम लोग बात कर लिए, हमारा सिलेबस यहीं ख़त्म होता है, यानी फर्स्ट चैप्टर का, यानी जो लेजर वाला चैप्टर है उसका चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। आप लोग का काम है अनसाल्व जाके उठाइएगा, सब लोग अनसाल्व खरीद लीजिए, एक अनसाल्व खरीद लीजिए, अनसाल्व से इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसके बाद फिर ये एनालिसिस करिए कि क्या जो क्वेश्चन पूछ पा रहा है वो अब एक चैप्टर पढ़ने के बाद हमसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। जिस भी क्वेश्चन को नहीं हो पा रहा होगा या डाउट होगा, नहीं समझ में आ रहा कि क्वेश्चन में लिखना क्या है, वैसे हम ये एश्योर करते हैं कि फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली हो, इसके बाद अनसॉल्व उठाओगे उसका 80% क्वेश्चन ऑलरेडी तुमको समझ में आ जाएगा कि हमको लिखना क्या है और करना क्या है। अगर 20% क्वेश्चन में डाउट होता है, सारे क्वेश्चन पे वन बाई वन हम लोग कल डिस्कशन कर लेंगे और ये चैप्टर ख़त्म करके नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंट्स का है उसको स्टार्ट करेंगे। और एक बार सब लोग घर पे जाके शुरू से, यानी फर्स्ट डे से लास्ट डे तक का सारा चीज़ रिवाइज कर लोगे, किसी को कोई डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड रह जाएगा वो हमसे क्लियर कर लेगा, तभी आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। एक एक चैप्टर फुल्ली फाइनल करते हुए चलें, यानी एग्जाम के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं है, अनसॉल्व भी अभी ही सॉल्व करते चलें, एक एक क्वेश्चन सॉल्व हमारी कॉपी में नोट रहे, यानी हमारी कॉपी एक चैप्टर के बाद जो पेज बचे उस पर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे हमारे में आंसर रहे, तो जिससे रिवाइज करने में तुमको क्या होगा, आसानी होगी। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, ठीक है, तो इसको रिवाइज कर लेना, उसके बाद फिर आगे चलेंगे।